रेवाड़ी में जिला सचिवालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही और आंगनवाड़ी वर्कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 8,000 रुपये में कविता जैन व मेनका गांधी अपने घर का चूल्हा जलाएं, तब जाकर उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यथा पता लगेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार उन्हें कोई भी अपना नहीं मानती। केंद्र सरकार कहती है कि वे राज्य सरकार के तहत आते हैं, जबकि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर थोप देती है। उन्हें तो यही नहीं पता कि आखिर वो काम किस सरकार के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी उन्हें काम पर लौटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो तब तक टस से मस नहीं होंगी जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी भड़ास निकालते हुए कहा कि वे वोट के समय नजर आते हैं, लेकिन धरना स्थल पर आकर किसी ने भी उनका दर्द नहीं सुना। सभी महिलाएं महाशिवरात्रि का पर्व धरना स्थल पर ही मनाएंगी, जब तक उनकी मांगे नहीं हो जाती पूरी वे धरना समाप्त नहीं करेंगी। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी। और चाहे कितने भी हो जाओ, 15-20 दिन भी क्यों नहीं हो जाओ, जब हमने अब जिद ठानी है तो हम अपना मांगे मनवा के रहेंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए, वो 2 दिन लेती है या 5 दिन लेती है। कल हमारा शिवरात्रि का व्रत है और हमें अपने घर में व्रत नहीं करना, यहीं पे व्रत करना है। हम सरकार के खिलाफ व्रत कर रहे हैं एक तरह से। जब सरकार हमारी सुनवाई कर लेगी तो हम यहाँ से धरना हटा लेंगे। हमें काम करना अच्छा लगता है, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, पता है, लेकिन हमें उसके बदले कुछ मिले तो सही,